नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। गया जिला में लगातार लूटकांड हत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं गया शहर के चौक टावर के रहने वाले आदित्य कुमार की हत्या 3 अगस्त 2023 को हो गई। रात 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में रात के अंधेरे में युवक को जान से मार डाला। वहीं हत्या के 12 घंटे बाद भी पुलिस हत्या के आरोपी को पकड़ने में नाकाम दिख रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि उसके दोस्त का फोन रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में आया और हमारे पुत्र ने हमसे कुछ रुपए लिए और वह चला गया। लोगों का कहना है कि आज जिस तरह से हत्या और जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, गया शहर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपराध हो रहे हैं, इससे साबित होता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपा रहा है। हत्या के 12 घंटे बाद भी पुलिस हत्या के आरोपी को पकड़ने में नाकाम दिख रही है। यह मामला गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत टावर चौक का है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक अपराधियों को पकड़ने में सफल रहता है। कुछ लोगों के द्वारा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हमको पता है कौन मारा है। आई लव यू मेरी जान। जिस आई डी से मैसेज आया वो है मैसेज सब है ना। इनका जो है कमाने खाने वाला बस वही है बच्चा था जो घर का परवरिश कर रहा था। हम लोग ठेला पर सामान देते थे। इसका पापा साग सब्जी टमाटर सब्जी बेचते थे, जो मन करता था जो बेचते थे। और मेरा यही एगो बच्चा था, भरोसा हो गया था कि अब काम करेगा। कौन मारा होगा? दोस्त मारा या लड़की मारा ये सब तो आप लोग का काम है। मिला है कुछ नहीं? मैसेज आया नहीं? मैं सिम उम सब तोड़ दिया। लड़की मैसेज किया है? हाँ मैसेज है जो बताओ ना। लड़की जो मैसेज कर रहा है आज आज से ज्यादा मैसेज कर रही है। हमको पता है तुमको कौन मारा है आदित्य, तुम चले गए हो। आई लव यू और थोड़ा सा पढ़े आई लव यू मेरी जान। रात में जो मृतक है आदित्य 16-17 साल उम्र है। उनके पिताजी काफी गरीब हैं, ठेला फुकसा लगाते हैं दवाई मंडी के पास। पुलिस उनके घर पे फोन गया है, फोन पे वो बच्चा आ गया है बाहर में। और उसके बाद यहाँ पर जैसा बता रहे हैं कि टावर चौक पे गिरा हुआ था, उसे कुछ साथी ले गए हॉस्पिटल, डेथ डिक्लेयर कर दिया, फिर घर पर पहुँचा दिया गया। तो समझ में नहीं आया कि थाना पुलिस बुला ले या घटना के बारे में। हम लोग सवेरे गए हैं, पोस्टमार्टम हुआ है। जो घटना में जो लोग संलिप्त होंगे उनकी गिरफ्तारी तुरंत होगी और जाँच चल रहा है। घटना का कारण क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस सब एंगल पर भी जाँच चल रही है।